तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि जनता ने उसे किस लिए चुना था, और वो इस अहम में है कि मैं सत्ता में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप देश के अंदर में जीडीपी को माइनस में ले जाएंगे, बेरोजगारी नंबर वन कर देंगे, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा देंगे, देश के अंदर सारे जो हमारे सरकारी उपक्रमण है सब बेच देंगे, और उससे भी मन नहीं भरेगा तो जो और बचा है और लगा के उसको बेच दोगे। तो आप छोड़ोगे क्या? जो हमारी इंडस्ट्री लगी है वो भी बंद करके, चाहे अमेरिकन इंडस्ट्री हो चाहे फोर्ड कंपनी हो, सब चले जाएंगे देश छोड़ के, तो यहाँ रोजगार मिलेगा कैसे? इसके बारे में सरकार बात नहीं करेगी। लगातार अंजना जी बच्चों की मौतें हो रही है, बच्चों से बड़ा इस देश के अंदर में कुछ है क्या? 100-100 बच्चों की मौतें हो गई, भारतीय जनता पार्टी चुप है। किस पे हम बातें कर रहे हैं सोचिए आप। जिनके घर में मातम छाया होगा वो टीवी पे आज तक देखेंगे क्या? अभी आप, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डिबेट देखेंगे क्या? जिनके घर में मातम छाया हुआ है, जिनके बच्चों की मौतें हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, इसी पार्लियामेंट में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि एक की भी मौत नहीं हुई। क्या इतना जमीर मर गया है? क्या इतना क्रूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या इतनी निष्ठुर हो गई है कि उसे जिंदगी और मौत में फर्क ही समझ में नहीं आता? किसान का सर फोड़ दो मार के, वो अगर मर रहा है 900 किसान 9 महीने से बैठा है तो मर जाने दो, हमें कोई चिंता नहीं है। मुझे तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, मुझे तो चुनाव आया है, अब हमें तो धर्म की फसल काटनी है, क्योंकि वही लहरा रही है उसी को काटो। और तो हमने 4.5 साल में कुछ किया नहीं, जनता को हम कैसे मूर्ख बना सकते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, वो आपसे पाई पाई हिसाब लेगी, क्योंकि आपने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? आप जहर तो बोते रहे हो, जहर तो आपने बोने का काम किया है, नफरत तो आपने फैलाई है, लेकिन दिया क्या? क्या आपने बनाया उत्तर प्रदेश को? कहां से कहां उत्तर प्रदेश को ले गए आप? कब आपने बात किया बेरोजगारी महंगाई पे? कभी आपने बात नहीं की। डीजल पेट्रोल 100 के पार और आप मस्त मौज है, कोई चिंता ही नहीं है। जब 65 रुपए था तब आप सिलेंडर लिए सर पे लिए घूम रहे थे राजनाथ सिंह। कहां है राजनाथ सिंह जी? उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। कहां उत्तर प्रदेश के बाकी मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बातें करते हैं कि जीवन एक होता है, जीवन में कुछ करके जाना चाहिए, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं, ट्वीट करने से नहीं होता है, प्रभु कुछ कीजिए जो आप कर नहीं रहे हो। आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। आप सिर्फ बोलते हो, आपने किया क्या बताओ? क्या आपने किया हेल्थ व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या किया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या किया उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाने के लिए? कहां है आपकी इन्वेस्टमेंट समिट जो आपने कराई थी? 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, कहां पे लगा हुआ बताइए आप? लेकिन आप किस मुद्दों को चर्चा में लाना चाहते हो?